शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने महाराज की सियासत पर विवादास्पद बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति और तेज हो गई है। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने कल उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने महाराष्ट्र की सियासत पर विवादास्पद बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति और तेज हो गई है। हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। शंकराचार्य के बयान के बाद शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने पलटवार किया और शंकराचार्य को धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा करार दिया। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शंकराचार्य से पूछा कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ विश्वासघात करने वालों को क्या कहेंगे। जिन्होंने बाला साहब ठाकरे साहब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया हो, उस पे क्या कहा जाएगा? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से 2022 में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। बाद में शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे। और इस वक्त की बड़ी खबर, तौकीर रजा का सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान। 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान किया है। 21 जुलाई को 5 जोड़ों का निकाह भी होगा, ये कहते हुए तौकीर रजा नजर आए हैं। तौकीर रजा ने प्रशासन से अनुमति मांगी है। तौकीर रजा पर अब कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। पंडे सुशील कुमार पाठक ने तौकीर रजा पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि तौकीर रजा के ऐलान पर विवाद छिड़ गया है। तौकीर रजा ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान कर दिया है। कहा कि 23 लड़के लड़की सामूहिक धर्म परिवर्तन करेंगे, 21 जुलाई को 5 जोड़ों का निकाह भी होगा। तौकीर रजा के इस ऐलान पर अब बवाल मच गया है। आपको बता दें कि तौकीर रजा ने बकायदा प्रशासन से इसको लेकर अनुमति मांगी, कार्रवाई की मांग अब पंडित सुशील कुमार ने तौकीर रजा के खिलाफ की है। जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं, तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुद ही जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के वाशिम वाले घर पर कल पुलिस पहुंची थी। बताया गया है कि पूजा खेड़कर ने वाशिम कलेक्टर से इजाजत देकर पुलिस को कुछ जानकारी देने के लिए बुलाया था। पूजा से मिलने के बाद पुलिस वापस लौट आई। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि पूजा ने पुलिस को क्या जानकारी दी। विवादों में आने के बाद पूजा खेड़कर का पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया था। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद अपनी डिमांड और कथित रूप से फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर विवादों में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। न सिर्फ पूजा खेड़कर बल्कि उनके माता पिता तक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जमीन विवाद में किसान को धमकाने और पिस्तौल दिखाने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुणे पुलिस की 2 टीमें मामले की जाँच कर रही है, एक टीम पूजा खेड़कर के माता पिता की तलाश कर रही है। आप अगर आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आई वो की कार्रवाई करे। पुलिस की दूसरी टीम अहमदनगर में पूजा खेड़कर की दिव्यांगता के सर्टिफिकेट की जांच में जुटी है, जबकि 2 दिन पहले ही न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने अपनी बेटी का बचाव किया था। मेरा इनकम तो उसमें आएगा नहीं,
उसका जो कुछ भी रीजन है वो शायद उसने उसके इंटरव्यू में बताया हुआ है। कुछ चीजें पर्सनल चीजें होती है कि वो सबके सामने बोली नहीं जाती है। उधर केंद्र सरकार पहले ही पूजा खेडकर के खिलाफ एक जांच कमेटी बना चुकी है। यूपी में शिक्षक संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। चित्रकूट, वाराणसी, इटावा में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। वहीं आगरा में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ 109 शिक्षकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। टीचरों की मांग है कि ऑनलाइन हाजिरी का फैसला वापस लिया जाए। और अब बात मानसून की करते हैं। देश के अधिकतम यानी कि ज्यादातर राज्यों में मानसून एक्टिव हो चुका है, जिसका अंदाज आपको देखने को मिला है, अंजाम भी देखने को मिला है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से कोहरा मचा हुआ है। शहर शहर, गांव गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान जैसे कई राज्यों में कई जिले बाढ़ की चपेट में है। यूपी में नदियां उफान पर हैं, तो नेपाल से आए पानी से यूपी और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह तेज बरसात से जल जमा हो गया है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश में थोड़ी कमी आई है, तो वहीं पहले के मुकाबले असम में भी हालात थोड़े काबू में है। मॉनसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश होने लगी है और इस बारिश का अंजाम ये रहा है कि देश के कई जिलों में बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्या शहर, क्या गांव, सब जगह बाढ़ ने कब्जा कर लिया है। इस बीच मॉनसून से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए बड़ी चेतावनी दी है। देश में 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी तट से सटे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा में भारी बारिश की चेतावनी है, तो वही राजस्थान, तेलंगाना, यूपी और मध्य प्रदेश में मध्यम से तीव्र बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इस बीच गुजरात के वडोदरा से बाढ़ का एक हैरान करने वाला मंजर सामने आया है। वडोदरा में सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर गया और हड़कंप मच गया। थोड़ी सी बारिश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूब गया, जिससे वहां मौजूद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। मजबूरी में जल जमाव के बीच मरीज अपना इलाज कराते हुए नजर आए। हालात ऐसे बन गए कि मरीजों को रखने वाले बिस्तर भी डूबे हुए नजर आए। बारिश का पानी डॉक्टरों के केबिन तक जा घुसा। कोटपुतली से भी भारी बारिश की जानकारी मिल रही है। कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण में जोरदार बारिश। बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। सड़कों पर लबालब बारिश का पानी भर गया। पानी भरने से लोगों को आने जाने में खास तौर पर दिक्कतें आई। आप देखिए किस तरीके से 2 से 3 फीट पानी सड़कों पर भरा हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ी देर की बारिश का नजारा है। बिहार के दरभंगा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रही है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई है। घर में धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। घर के अंदर छत विचित हालत में शव मिला है। इलाके में सनसनी फैल गई है। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल की घटना इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या की जानकारी मिल रही है। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं मुकेश सहनी। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। घर में धारदार हथियार से हमला कर यह हत्या की गई। घर के अंदर ही छत विजत हालत में शव मिला है। इलाके में जाहिर तौर पर सनसनी और कई सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल की एक घटना है। बड़ी खबर मुकेश सहनी के पिता से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष है मुकेश सहनी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता की हत्या की जानकारी मिल रही है। जीतन सहनी, जो कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता है, उनकी हत्या कर दी गई। घर में धारदार हथियार से हमला कर यह हत्या की गई है। घर के अंदर ही छत विजत हालत में उनका शव मिला और खुद यहां पर बिहार की पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी की
बिरौल थाना क्षेत्र है ये, जहां पर सुपौल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बिहार के दरभंगा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई है। और यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे देखिए आपका फेवरेट शो गोरबर।